ऐसा कोई एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। सबसे पहले कोई भी कार्डबोर्ड आपके पास पड़ा हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। पैटर्न ड्रॉ करके लाइक जो भी आपको इजी ड्राइंग करना है, जैसा भी ड्राइंग आपको बनाना है, एक रंगोली की तरह एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे और उसको फिर कट कर लेंगे। अब इसके बाद में मेस्किंग टेप या फिर आपके टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर कुछ भी रहेगा उससे आप इसके एजेस को इस तरह से कवर करेंगे, जिससे कि जब आप इसको पूरा बना लेंगे तो इसकी फिनिशिंग आएगी, अदरवाइज़ इसके एजेस बहुत ही रफ नज़र आते हैं। ऐसे इसके सभी तरफ से एजेस को कवर करेंगे और अपना पसंद का इसमें कलर करेंगे। पहले इसमें कलर करेंगे, उसके बाद हम रंगोली को स्टार्ट करेंगे बनाना। इस तरह से आप कलर करेंगे, जो भी आपको इसमें फ्लावर जिस कलर के लगाने हैं उसका बेस उसी कलर से बना के इसको रेडी करेंगे। अब इसको ड्राई हो जाने देंगे। सबसे पहले आप क्रेप पेपर ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। उन टुकड़ों से एक छोटी छोटी हम पेपर बॉल्स बनाएंगे और या फिर आप पेंसिल से भी उनको क्रश करके एक बॉल का शेप दे सकते हैं। इसके बाद आप इसमें स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने देखा सेंटर में ऑरेंज कलर है, तो मैंने ऑरेंज कलर की पेपर बॉल्स बनाई हैं। और जब हम स्टिक करेंगे तो ध्यान रखेंगे आउटर साइड से इनको स्टिक करना स्टार्ट करेंगे ताकि सर्कल की फिनिशिंग अच्छे से आए। वन बाय वन आप उनको पेपर बॉल्स को उसमें स्टिक करते जाएंगे और इसी तरह से पूरा सर्कल ऑरेंज कलर से फिल कर लेंगे। धीरे धीरे हर कलर की पेपर बॉल बनाते हुए रंगोली को कंप्लीट करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जब आप पेपर बॉल्स बनाकर इसमें लगाएंगे तो आराम से अच्छे से लगाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो इतनी इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये पूरी पेपर बॉल लगाकर ये रेडी हो गया। इसको बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बॉल्स को आराम से लगाना है, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे और सोचेंगे कि एक ही दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो इसमें आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए इसको आराम से करें, टाइम लगता है। उसके बाद में इसको हम थोड़ा ग्लिटर ट्यूब और मिरर के साथ में डेकोरेट करेंगे इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा ग्लिटर ट्यूब से हल्का लाइट डेकोरेशन देंगे एज अ बॉर्डर, जो कि बाद में एक शाइनी इफेक्ट इसमें आएगा। ऐसे छोटे छोटे मिरर लगा के इसकी हम ब्यूटी को इन्हेंस करेंगे और एक कंप्लीट लुक देंगे इसको हम रंगोली का। अब हमारी रंगोली रेडी है। इसे आप चाहें तो दीवार पर भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप अपने मंदिर में पूजा की जगह पर रंगोली जब बनाते हैं तो वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ आप इसको टेबल पे भी रनर के साथ में डेकोरेट कर सकते हैं।